चले कि ये जो नाव है इस नाव पे हम थोड़ा सा यात्रा करेंगे और अंदर के तरफ चलेंगे और वहाँ के दृश्य दिखाएंगे कि वाकई में क्या कुछ अंदर का नज़ारा है, क्योंकि यहाँ तो मकान जो दिखा वो घिर गया। और यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं प्रमोद राय, ये भी हमारे साथ चलेंगे क्योंकि ये इन्हीं का इलाका है और जाहिर तौर पे जब इनका इलाका है तो इनके साथ जाएंगे क्योंकि गहराई ज़्यादा है और हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये गहराई कितनी है, तो इसलिए हम इनके साथ नाव पर बैठेंगे। और ये भी देखिए प्रमोद राय बैठ चुके हैं जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, और इनके साथ हम क्षेत्र का दौरा करेंगे, जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं वहाँ जाएंगे और वहाँ की वास्तु स्थिति समझेंगे और प्रशासन तक यहाँ की गांव की जो बातें हैं, जो दिक्कतें हैं, इन तमाम चीज़ों को हम सिवान के जिलाधिकारी तक पहुँचाने का काम करेंगे। हम पहुँच चुके हैं सिवान के बालाकोठी गांव में, जो कि बाढ़ ग्रसित इलाका है, और आप देख सकते हैं कि हम बैठे हुए हैं एक नाव पे और इस नाव के सहारे इस गाँव का हम नज़ारा आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वाकई में बालाकोठी गाँव की जो स्थिति है कितनी भयावह हो चुकी है, बाढ़ से कितने लोग त्रस्त हैं, कितने घरों में पानी घुस चुका है। तो बिल्कुल चारों तरफ से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि धीरे धीरे उस तस्वीर को दिखाएं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दाहिने साइड में, इस साइड में इस तस्वीर को दिखाएं कि देखिए ये कैसे, ये घर जो है पुराना ही घर था लेकिन ये पूरी तरह से गिर चुका है और पानी से देखिए चारों तरफ इतना ज़्यादा पानी है तकरीबन कि इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। देखिए ये घर का जो बाथरूम है वो भी डूब चुका है, यानी कि कहीं से भी आने जाने की कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और पानी कुछ ज़्यादा ही है। चारों तरफ की अगर हम बात करें तो अपने कैमरेमैन से कहेंगे कि एक बार इस तस्वीर को चारों तरफ से घुमा करके अपने कैमरे को दिखाएं कि क्या कुछ नज़ारा है, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड का बालाकोठी गांव है, और आपको बताते चले कि जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं प्रमोद राय, उनका गाँव है और उनका गाँव डूब चुका है। ये बेचारे अपने घर के लोगों को छोड़ करके दूसरे की मदद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो खेत है ये मक्का या ईख टाइप का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये देखिए गन्ना है, ईख है, यानी कि जो किसान होते हैं वो बेचारे फसल करते हैं और पूरी तरह से वो डूब चुका है, यानी कि हजारों रुपए संपत्ति की उनकी बर्बादी हो गई। ये देखिए ये मकान, इस मकान को हम दिखा रहे हैं कि कैसे यह मकान डूब गया है, बिल्कुल आने जाने का कहीं रास्ता नहीं है, और यही वो मकान है प्रमोद राय जो है उनका मकान है, और इस मकान में रहते हुए भी दूसरे की ये लोग सहायता करने पे लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, और ये जो जिससे हम नाव पे बैठे हुए हैं यहाँ पे लग रहा है कि पानी जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो 12 या 15 फीट से कम नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक है जो पानी की गहराई है और कहीं ना कहीं इससे बच कर निकलना इसी में भलाई है। हम प्रमोद जी से बात करेंगे कि प्रमोद जी क्या कुछ स्थिति है, देखिए पहले हम कुछ और जगहों की स्थिति दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कुछ और भी मकान दिखाई दे रहे हैं कि क्या किस तरह से ये सब जो मकान है देखिए कैसे पानी में जलमग्न हो चुके हैं, पूरी तरह से जो बालाकोठी जो गांव है टापू बन गया है, और लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं किया गया है, जो प्रमोद राय हैं इन्हीं के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन भी लगी हुई है और प्रशासन से आग्रह होगा कि जल्द से जल्द लोगों को सहयोग करें, सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने का काम करें। हम नाव वाले से कहेंगे कि आप एक बार घुमा लें, फिर से हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ तक चले, तब तक इसी बीच में प्रमोद जी से बातचीत भी होगी। प्रमोद जी ये बताइए कि क्या स्थिति है, अब तो हम लोग नाव से पूरा मुआयना कर रहे हैं, क्या स्थिति है प्रमोद जी? जी सर, मैं इसी गांव का बेटा हूं, मैं लोगों का आश्वासन दिया हूं कि जब तक मैं प्रमोद कुमार आप सबके बीच हूं, ये घर भी दहा जाए तो भी उसकी परवाह नहीं, ये तो नेचुरल आपदा है, किसी का हाथ में नहीं है। प्रतिनिधि आप लोग जिसको बनाए वो आपका धोखा दिया है, प्रशासन आपको धोखा दिया है, लेकिन हम आपको धोखा नहीं देंगे। हम इस गांव के बेटे हैं, सब लोगों के लिए हैं, जब हम जिंदा हैं आप लोगों को परेशानी कुछ भी आए हम होने नहीं देंगे, उसको उसके लिए सुरक्षा कवच बनकर रुकेंगे। सारे लोगों को जो सुविधा चाहिए वो मैं यहां मुहैया करा रहा हूं। मैं खुद अपना नाव से पूरे पंचायत के अलावा और पूरे ब्लॉक और पूरे अपने एरिया का भ्रमण कर रहा हूँ, विशेष यहाँ के लोगों को मैं सुरक्षा कवच बन करके मैं इन लोगों के ऊपर पूरा तैयारी के साथ सहयोग कर रहा हूँ, तिरपाल से लेकर खाने पीने से लेकर
चिवड़ा मीठा से लेकर हर चीज तक। प्रमोद जी एक चीज बताइए कि ये जो नाव पे हम लोग दौरा कर रहे हैं, क्या ये प्रशासन या फिर स्थानीय विधायक के द्वारा ये नाव दिया गया है? सर देखिए, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं रहा हूँ, मेरा खुद अपना निजी पैसे का ये चल रहा है नाव, और खुद मेरा घर आप लोग देखे कि डूबा हुआ है, फिर भी मैं सारे लोगों को अपना तरफ से सहयोग कर रहा हूँ। ये अपना निजी फंड का चल रहा है, अपना पैसे का चल रहा है। गांव जो ये जो कोठी है, बाला कोठी, इसमें कितने घर जो है जलमग्न हो चुके हैं? इसमें 25 घर तो बेहाल है, घर छोड़कर बाहर है, बाकी गांव में तो पूरे गांव में पानी जा चुका है, दरवाजे पर देखा जाए तो पूरे जगह जा चुका है। देखिए इधर का सारे बेहाल है, ये पलानी देखिए, सब गरीबों का पलानी। आप देख सकते हैं कि पलानी कैसे पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, ये गरीब और लाचार लोगों की पलानी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीर, और यही स्थिति है। तो प्रमोद जी ये बताइए कि ये बताइए कि आप प्रशासन को क्या करना चाहिए इसमें? प्रशासन से मैंने कितना बार बात किया लेकिन उन लोगों का सही रिस्पांस कुछ नहीं है, प्रशासन बिल्कुल चुका हुआ है। यहाँ के प्रतिनिधि पर लोगों आक्रोश में है कि एक आशा विश्वास के साथ हम लोगों ने आपको अपनी सेवा के लिए जिताया लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। वो लोग तो पूछने अभी तक कोई प्रतिनिधि आया ही नहीं, अभी तक कहीं कुछ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्रतिनिधि के तरफ से है और ना कोई प्रशासन के तरफ से है। यहाँ का स्थानीय विधायक तो बिल्कुल रवाना है, कहाँ है, क्षेत्र में कुछ था है नहीं, कहीं कहीं जाता भी है तो प्रशासन को फोन करता है, यहाँ करो ये करो वो करे, अरे आपका फंड कहाँ गया? आपने अभी तक विधायक है तो बहुत कुछ पावर है आपको निजी फंड से करने का। लोगों को खाने होने की जो दिक्कतें हैं वो कैसे, क्या खाने पीने की लोगों को जो परेशानियां हैं? सर हम लोग खुद अपना मैनेज कर रहे हैं, जहां तक बोले कि हमारा कद है औकात है वहां तक हम देख रहे हैं, बाकी प्रशासन से अपना गुहार लगा रहे हैं कि परेशानियां को देखा जाए, लेकिन उनके तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है, कुछ काम नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आपने देखा कि प्रमोद राय जो कि गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, राजद के एक कर्मठ नेता हैं, और बिल्कुल आपको बताते चले कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके आज की इस परिस्थिति में जिस तरह से लगातार नाव हादसे भी हो रहे हैं, और इस तरह से इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आप वो कितना ज़्यादा पानी है, बिल्कुल इस चीज़ को देख करके अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इस तस्वीर को देखने के बाद साफ एकदम क्लियर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इधर के नज़ारे को दिखाएं कि सिर्फ चारों तरफ खाना नहीं क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इस नाव से हम लोग दौरा करके और तमाम तरह की हम लोग तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रशासन से अनुरोध भी करेंगे। और देखिए छतों पे लोग हैं, और छत पे जो लोग हैं वो बिल्कुल फंसे हुए हैं इस पानी में, हम उनके पास तक पहुंच नहीं सकते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा है। और इसको लेकर के तो देखिए छत पे जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल सुरक्षित अपने छतों पे हैं, किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए हैं। यही आलम है लकड़ी नबीगंज प्रखंड का, और सामने देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी, ये तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर डूब चुकी हैं। तो ठीक है इसी तरह से, अरे ठीक है भाई दिखा दिया, दिखाओ ठीक, इसी तरह से हम लगातार आपको कई जगहों पर चलेंगे और इसी तरह से हम आपको दिखाएंगे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी कि आखिरकार जो बाढ़ जैसे जो त्रासदी जो आई हुई है, चाहे वो बसंतपुर का इलाका हो या फिर लकड़ी नबीगंज का इलाका हो, तो कितने लोग इसके शिकार हो गए हैं। और इस तस्वीर को देखने के बाद शायद अब कुछ कहने को नहीं रह गया है, लेकिन लगातार इन जैसे लोग हैं जो कि इस बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। हम तो सिर्फ नेताओं से यह आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के इन बाढ़ पीड़ितों की मदद करें, और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा क्योंकि आज लोग जो हैं इस बाढ़ के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, कोई भूखा मर रहा है तो कोई बच्चा बिना दूध पिए हुए मर रहा है। तो अगर इस विकट परिस्थिति में आप मदद करते हैं तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं इसका फल भी आपको आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, लकड़ी नबीगंज, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान, स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान, बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, सुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीवी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज।
डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5-10% की छूट पाए। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।